नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धामनोद में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में कृषि मंत्री सचिन यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और 1800 किसानों को 15 करोड़ रुपए का ऋण किया माफ, प्रमाण पत्र वितरित किए गए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाख रुपए का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है साथियों, 1 लाख रुपए का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये माता बहने सभी हमारे सम्मानित अन्नदाता, अभी पिछले दिनों एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और फैसला आदरणीय साथियों लिया, और ये फैसला इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार, हमारे मुखिया ऋण माफी को लेकर के कितने गंभीर हैं। आदरणीय साथियों, पिछले दिनों एक निर्णय जारी किया गया और उस निर्णय के तहत वो किसान साथी जो किसी कारण से हमारे ऋण माफी की प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए थे, उनके लिए 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक जनपद मुख्यालयों में उनके आवेदन बुलाने का काम किया गया। बहुत ही कल्याणकारी योजना। चंजी छोगालाल, देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उस योजना में चूंकि अभी जो अतिवर्षा हुई थी, उस अतिवर्षा में हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे किसान साथियों की जो फसलें प्रभावित हुई थी, हमारा ये सोच थी कि हम इस संकट घड़ी में फसल बीमा के माध्यम से जो है हमारे किसान साथियों को मदद पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और उसी तारतम्य में हमने हमारा जो मध्य प्रदेश का जो अंश था वो अंश हमने जमा कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि पूर्व की जो सरकार थी, उस पूर्व की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जो राशि है वो राशि उन्होंने फसल बीमे की राशि उन्होंने जमा नहीं करी है, और जब तक वो राशि जमा नहीं होगी तब तक हम जो है इस साल का जो वर्तमान साल का जो अंश है वो अंश जो है जमा नहीं करेंगे। ऋण नहीं है, फसल बीमा, फसल बीमा, हाँ, फसल बीमा माफ नहीं करेगी, फसल बीमा की राशि वो नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो इसके कारण जो है हमारे सभी प्रयासों के बावजूद भी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विभाग ने कई बार जो है केंद्र सरकार को पत्रचार किया, उनसे हमने अनुरोध किया कि जो वर्तमान की स्थिति है उस वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जमा करें, ताकि हमारे हमारे किसान साथियों को इस संकट की घड़ी से हम उभारने का प्रयास करें। देखिए निश्चित रूप से जिस हिसाब से जो है जो आज प्रदेश की जो आबादी है लगभग 70% आबादी जो है खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, और इसलिए जिस प्रकार से जो शिक्षा का, कृषि शिक्षा का जो विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार जो है पिछले 15 साल में नहीं हो पाया है। हमारी सरकार की ये सोच है कि आने वाले समय में हम लोग इसको इसका विस्तार करेंगे, और जो हमारे जो किसान का बेटा है अगर वो कृषि के विषय में जो है लेकर के उसमें अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं जो आने वाले समय में स्थापित करने का काम करेंगे।